हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोका टेक डीसी। आज हम बात करने वाले भाई 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 क्या हो गया? ये मेरा चैनल है, तू बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा बोल ले बोल ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे। हाँ बस दिस बड़ा भाई मैं हूँ। बड़ा भाई तू है? अच्छा तू बड़ा भाई है ना, तो मैं भी कुछ कम नहीं, 1 मिलियन यूजर्स है मेरे। जब पर फीचर्स फीचर्स किसके अच्छे? जब मैं मार्केट में आया था ना तो तड़का लगा दिया था, तड़का। और जब मैं आया तब तो पूरे यूट्यूब पे मेरी बात थी यार, हर एक यूट्यूबर को मुझे अनबॉक्स करना था। अरे जब मैं आया था ना तो तेरे को पता नहीं 1 मिलियन यूजर्स हो गए मेरे, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन था मैं। पर अब तो मैं हूँ ना। तो गाइज यही है, और आज हम करेंगे कंपैरिजन Realme 1 और Realme 2 Pro का। मतलब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा वर्थ फॉर मनी है, क्योंकि इसका 6 GB रैम भी 14,000 का आता है और इसका 4 GB रैम भी 14,000 का आता है। तो हम देखेंगे कौन सा है ज्यादा वर्थ फॉर मनी। अब आप सोचोगे कि हमने 2 क्यों नहीं लिया, पर वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ इसलिए हमने ये 2 फेमस फोन लिए। तो फिर चलिए करते हैं इसका कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे गुरुजी की कॉपी हो रही है यार, क्या कर रहा है? डब्बा अभी हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट। तो इसके अंदर पहले आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और यही पे पीछे में आपको मिलेगा सिम इजेक्टर टूल। बाकी तो एक इनका पावर ब्रिक आता है जो कि चार्जर है, और ये फास्ट चार्जर नहीं है, और इसका एक सादा सा केबल। तो अब तो गाइज वैसे अभी बॉक्स इतना दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिकली आप बॉक्स को देख लीजिए। यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे लिखा है स्मूथनेस में जो है 1 लिखा है, और अभी इसके अंदर जो है सेम बॉक्स कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट पेपर्स है जो रियलमी से आए हैं, और आगे अंदर इसके जो है पावर ब्रिक है ओप्पो की, और एक जो है माइक्रो USB 2 USB केबल है, और वही सेम बॉक्स कंटेंट्स है। सो गाइज ये है हमारा Realme 1। तो गाइज यहाँ पे हमें मिल जाता है पीछे से एक हमारा प्राइमरी कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल्स का, और है एक फ्लैश, और आगे जो है हमें मिल जाता है हमारा फ्रंट कैमरा और एक स्पीकर ग्रिल, और नीचे से जो है वो एक थोड़ी चिन है, बाजू से बेजल्स मिल जाते हैं, और ऊपर से भी एक बहुत बड़ी वाली बेजल मिल जाती है। और गाइज इसका जो फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल्स का है और विथ AI मिल जाता है। और साइड से अगर बात करें तो हमें मिल जाता है पावर बटन, और यहाँ पे है सिम ट्रे, और अगर नीचे से बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है हेडफोन जैक, एक माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। वाकई बात है, मतलब गाइस इसमें बैठ सकते हैं आपके 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड। और अभी हम भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कैमरा सैंपल्स लिए गए इस फ़ोन से, आपको भी आपके स्क्रीन पे सैंपल्स देख रहे होंगे आप, तो ये इंसानों पे जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। तो गाइज अभी हम सेल्फी कैमरा देखेंगे इसका, आपके स्क्रीन पे सैंपल्स देख रहे होंगे आप। इसमें जो है वो AI का फीचर जो आपको मिल जाता है, AI ब्यूटी। तो जैसे अब मैं इसको सिक्स लेवल पे रखता हूँ तो ये मेरे को ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगा देगा, वो अच्छा नहीं दिखता। लिपस्टिक से याद आया कि लिपस्टिक ऑर्डिनरी जो है वो रेड होती है, और सब्सक्राइब का बटन भी ऐसा रेड होता है, तो मस्त उसे मार दो और ग्रे कर दो मतलब। तो गाइज ये, और अभी हम आते हैं वीडियो मोड पे। तो वीडियो में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज़्यादा इतनी कुछ यूज़र इंटरफेस हमें यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे जो है हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं 1080p और 720p। तो गाइज ये हो गई अब बात Realme 1 के कैमरे की, और कैमरा काफ़ी अच्छा है, बुरे तो नहीं बोल सकते क्योंकि बजट में है। और अभी हम देखेंगे Realme 2 Pro का कैमरा कैसा वर्क करता है। तो गाइज ये है Realme 2 Pro, अब हम करेंगे इसका फिजिकल ओवरव्यू। और इसमें ऊपर की तरफ आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और एक सेल्फी के लिए पीछे सामने सेल्फी के लिए आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अंदर LED फ्लैश नहीं है क्योंकि इसमें नॉच डिस्प्ले, और पीछे के साइड में आपको LED फ्लैश देखने को मिलता है। और यहाँ पे मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि काफ़ी फास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी लॉक है ये, तुरंत अनलॉक होता है, और जैसे कि टच के बाद तुरंत अनलॉक होता है उसके बाद में।
और अब हम सामने देखते हैं तो एक वाटर ड्यू ड्रॉप नॉच है जो कि काफ़ी फैंसी लगता है इस प्राइस पॉइंट्स में। और ऊपर आप देख सकते हो एक स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, साइड में मिलता है आपको पावर बटन और नीचे की तरफ मिलता है एक 3.5 mm जैक और यहाँ पे मिलता है एक स्पीकर ग्रिल और ये है माइक्रो USB पोर्ट और साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन दोनों भी है और यहाँ पे मिलता है एक सिम स्लॉट अभी तो। हाँ ये डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलता है 64 GB का। सो गाइज अब हम करेंगे इसका कैमरा टेस्ट और इसमें बैक में मिलता है 16 MP का प्राइमरी कैमरा और साथ में 2 MP का डेप्थ सेंसर। इसकी आपको कैमरा सैंपल्स अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अब हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी में भी आपको दोनों मोड मिलते हैं पोर्ट्रेट भी और साथ में नॉर्मल भी। गाइस इसके आपको कैमरा सैंपल्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अच्छा है और इसमें आपको मिलता है AI मोड जो कि कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आता है। सेल्फी मोड जो कि AI मोड होता है जिसके अंदर 6 मोड्स नॉर्मल होते हैं और एक AI मोड होता है। तो गाइस ये था हमारा कैमरा कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन्स का, Realme 1 और Realme 2 Pro। अब हम देखेंगे इसके बाकी कंपैरिजन। तो गाइज यही था कंपैरिजन, यही था कैमरा कंपैरिजन और आगे हम करेंगे अभी स्पेक्स का कंपैरिजन Realme 1 और Realme 2 Pro का और अभी देखते हैं अभी इसके क्या क्या स्पेक्स है। तो और गाइज इस वीडियो के आगे में आपको मिलने वाला है एक गेमिंग टेस्ट। तो गाइज अभी हम बात करते हैं Realme 1 के प्रोसेसर की तो यहाँ पे हमें मिल जाता है MediaTek का Helio P60 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और Realme 2 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 AIE ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर जो है वो है Snapdragon 660 जो कि मिलता है आपको Realme 2 Pro में। और अभी हम बात करते हैं इसके बैटरी की तो बैटरी हमें मिल जाती है यहाँ पे 3750 mAh की और आपको मिलती है Realme 2 Pro में 3500 mAh की बैटरी। अब अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो वैसे Realme 2 Pro में आपको मिलती है AIE बैटरी जो कि आपको 1 डे का बैकअप गारंटेड देगी। और आपका बैकअप कितना है? मेरा बैकअप मतलब अभी एक दिन तो चल ही जाता है और अगर आप इसमें हेवी गेम्स खेलते हो जैसे कि PUBG तो ये मतलब एक दिन से थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, दोनों में ही सेम है, लगभग सेम ही है, 7-8 घंटे तक तो आपको अगर कब दे देगा दे देगा। गाइस यहाँ पे है हमारे पास Realme का टॉप मॉडल जो है 6 GB रैम और 128 GB का और इसमें जो प्राइस जो हमें मिलती है वो है 14,000 रुपीज़ की। हालांकि अभी कम हो गई है लेकिन जब मैंने खरीदा था तब ये मिलता था 14,000 रुपीज़ का। और ये है Realme 2 Pro का बेस मॉडल जो कि आता है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ में और इसका प्राइस भी है 14,000 जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे 14,000 का ही है और अभी अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल होगा आपको 16 November में तो आप उसको खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने दोनों फ़ोन को इनके ऑफिशियल चार्जर्स के ऊपर लगाया जो कि उनके बॉक्स में मिलता है। दोनों भी सेम चार्जर्स है ओप्पो के। और अब हम ये रहे मोबाइल्स, ये है Realme 2 Pro और ये है Realme 1। तो इन दोनों को हम चार्जिंग के लिए लगा दिया था और अभी इनकी बैटरी हो चुकी है, एक मिनट, Realme 2 Pro की हो चुकी है 95% और इसकी भी हो चुकी है लगभग 95%। तो इन्हें 95% चार्ज होने के लिए लगे टोटल टू आवर्स, हाँ 1 hour 45 minutes मेरे इसको लगे हैं और Realme 1 को लगे है 1 hour 50 minutes। तो सिर्फ 5 minutes का डिफरेंस है गाइज, तो अराउंड दोनों को फुल चार्ज होने के लिए 2 घंटा लगता है। तो गाइज ये तो हो गई इन दोनों फ़ोन की स्पेक्स की बातें। तो स्पेक्स तो सब दोनों की ठीक है पर असली पावर स्पेक्स तो बस एक नंबर्स होते हैं वो इतने डिपेंड नहीं करते। अब असली टेस्ट होता है कि यूज करने के बाद आपको क्या मतलब क्या मिलता क्या इस फोन से। अब हम करेंगे इसमें गेमिंग टेस्ट जो कि हमारा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है, हम खेलने वाले हैं इसमें हम सबका फेवरेट PUBG प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड और या आप कह सकते हैं PUBG। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं ग्राफिक्स में जा रहा हूँ और जो मेरे ग्राफिक्स है वो है हाई और HD और ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शुरू है तो मतलब इस पे अभी देखते हैं कोई लैग आता है कि नहीं और ये शायद इसे जो है झेल पाएगा और जो स्टाइल है वो क्लासिक।
1, ये है 2 Pro। और हम अभी आपने सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, और हमें पर्सनली पसंद है Realme 2 Pro क्योंकि ये परफॉर्मेंस और कैमरे के मामले में भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप यही बाय कीजिए, और इसको बाय करने की बेस्ट लिंक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और नया चैनल है, नया टेक चैनल है, काफ़ी अच्छी वर्क करता है ये। उनका पुराना चैनल जो डिलीट हो गया है, डिलीट नहीं हुआ मतलब वो लॉस्ट हो गया उनका चैनल, तो अभी इनका नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना।